जन जन की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और जैसे हमने आपको बताया था कि सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर गाज तो गिरा, 6 दिन के ईडी रिमांड पर भी है। आप जो कार्यालय पीछे देख सकते हैं, इन्हीं में पूछताछ चल रही है। और इसके साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कल कि अभिषेक झा को और पंकज मिश्रा दोनों को आमने सामने बैठा कर पूछताछ की गई, और ये सिलसिला जो है वो आज भी जारी है। दोनों को आमने सामने बैठाया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है। और कई बार ईडी, जैसा हमने कहा था कि ईडी ने सारे लोगों को समन भेजा था, डाहू, बच्चा, लालू, ऐसे न जाने कितने लोगों को समन भेजा था साहिबगंज से। सारे लोग 18 जुलाई तक यहाँ तक आए थे, हमने आपको अपडेट भी दिया था। और सबने जो राज खोले हैं और सारे डॉक्यूमेंट साहिबगंज जाके जो ईडी ने पड़ताल की है, वो सारे डॉक्यूमेंट लेके ऐसा लग रहा है मानो बैठी है ईडी टेबल पर। और पंकज मिश्रा से सवाल बम्बार्ड किए जा रहे हैं, एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे हैं, अभिषेक झा से पूछे जा रहे हैं, दोनों से क्रॉस किया जा रहा है। लेकिन जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें ये दोनों चुप्पी साथ ले रहे हैं, और कई बार ये कुछ बोल रहे हैं, वो अलग कुछ बोल रहे हैं, मतलब दोनों का बात जो है आपस में मिल नहीं रहा है, मिल नहीं खा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ईडी का शक है और ज़्यादा गहराते नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी खबर ये निकल के सामने आ रही है कि पंकज मिश्रा पर गुड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि फर्जी कंपनी, डमी कंपनी जिसे कहते हैं, वो बनाकर अपने लोगों को, अपने खास लोगों को टेंडर देने का काम किया करते थे पंकज मिश्रा। ये बहुत बड़ा खुलासा है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ईडी के अंदर का जो भी अंदर की जो कार्रवाई होती है बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से रखा जाता है। लेकिन निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से ट्वीट कर ये सार्वजनिक तौर पर कहा है, और एक लीडिंग न्यूज़पेपर में भी ये छपा है इस तरह की बातें, कि फर्जी कंपनी देकर पंकज मिश्रा अपने जो खास लोग रहते थे उनको टेंडर दिलाने काम किया करते थे, और इन खास लोगों में जो लोग शामिल हैं उनको समन करके पूछताछ भी की गई है, और भी समन की तैयारियां ईडी कर रही है। लेकिन ईडी यानी इस वक्त थोड़े फॉर्म में है। इसके साथ ही आलमगीर आलम जो मंत्री है फिलहाल झारखंड सरकार में, अब तीसरी खबर ये बहुत बड़ी आ रही है कि आलमगीर आलम के कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, ऐसे खबरें आ रही कि जिस तरह ईडी ने केस किया है इनके ऊपर, ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत जल्द मंत्री का पद खाली करना पड़ सकता है। इस पर आलमगीर आलम से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहा कि सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें आ रही है, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। इस तरीके से उन्होंने कुछ ही बोला। लेकिन निशिकांत दुबे का जो ट्वीट है फर्जी कंपनी, और निशिकांत दुबे ने यह भी लिखा है कि एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे करे पंकज मिश्रा, बता देते चले कि 6 दिन के रिमांड पर है, पूछताछ होगा तो कुछ तो खुलासा होगा ही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंकज मिश्रा एक से एक बड़े बड़े सरकारी खुलासे कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में सरकार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। और ये खुलासा खुद पंकज मिश्रा ने ही किया है कि हाँ, मैं फर्जी कंपनी चलाता था, फर्जी कंपनी के नाम से मैं दूसरे को टेंडर दिया करता था, ये खुद पंकज मिश्रा ने खुलासा किया है। वैसे ये खुलासा किया है या नहीं, ये तो निशिकांत दुबे के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर ये खुलासा किया है, ऐसा अगर होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो जाँच जो पूजा सिंघल से निकल के आई थी पंकज मिश्रा तक, अब ये पंकज, अब देखिए आलमगीर आलम बड़े मंत्री आ रहे, तो हमने आपको ये भी बताया था कि बड़े बड़े नौकर शाह और राजनेता शामिल है। अब ये रडार, अगला रडार किस पर जाता है ईडी का, ये देखना वाकई में बहुत ही दिलचस्प होगा। जीएन भारत की टीम हमेशा ईडी कार्यालय के बाहर बनी हुई, और एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ और सिर्फ आपको जीएन भारत पे ही मिलेगी। बने रहिए, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।